छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 18 व 19 की संयुक्त बैठक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित जैन एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। शुक्रवार को आशीर्वाद भवन में वार्ड नंबर 18 व 19 के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष अमित जैन, वार्ड नंबर 18 की प्रभारी ज्योति बड़वाइक, वार्ड नंबर 19 के प्रभारी धनी राम तराने, वरिष्ठ कार्यकर्ता चिंता राम यादव, पूर्व पार्षद नईम खान सहित अन्य उपस्थित रहे। बैठक को वार्ड प्रभारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताया। वक्ताओं ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण करोड़ों परिवारों के सर पर पक्की छत डल गई है, जो कभी उनका सपना हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे गरीब परिवार की चिंता मिट गई है। इसी तरह मेक इन इंडिया, सवाइल हेल्थ कार्ड, ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं देश में संचालित हो रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाना है, और नगर पालिका चुनाव में बहुमत के साथ सरकार बनाने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। बैठक में प्रत्येक वार्ड से पार्षद प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से 2-2 नाम मांगे गए हैं, जिसे मंडल एवं जिला भाजपा में भेजा जाएगा। उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम के लिए 30 नवंबर तक का समय और दिया गया है। इस मौके पर मंडल महामंत्री विजेंद्र सिंह ठाकुर, ज्योति यादव भोला सहित अन्य उपस्थित थे। आज जो आपकी बैठक हुई है, किस संबंध में? ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व के आह्वान पर वार्डों में हमारे एक निर्देश मिला है कि वार्डों में बैठक करना है। प्रत्येक वार्डों में बैठक चालू है और ये बैठक का मेन उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के प्रति अपने कार्य करने के लिए लगाना और उनको प्रत्याशी चयन के भी संबंध में पूछा जा रहा है। ये उद्देश्य हमारा कार्यकर्ताओं को बैठक कराने का है। अभी कितने लोगों के नाम सामने आए हैं प्रत्याशियों में? अभी आज 18 नंबर और 19 नंबर की संयुक्त बैठक रही है, हार की गई थी, और इसमें दोनों पार्टी से प्रत्याशी का नाम आया है। हमारे यहाँ प्रत्याशी मैन नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको सम्मान मिलता है वो उसके लिए काम करता है। और निश्चित तौर पे इस बार नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या संभावना है आपकी, इस बार क्या आंकड़ा रहेगा नगर पालिका में भाजपा? लगभग हमारे 18 से 20 पार्षद इस बार चुनाव जीत के आएंगे, ऐसा हम लोग आकलन। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।